لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المويد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات آیت کے ذیل میں گفتگو سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کر مرحومہ حسینہ بائی بنت محمد صاحب، مرحوم ابراہیم بھائی ابن قاسم علی بھائی اور تمام مرحومین ویرانی فیملی، مرچنٹ فیملی، پنجوانی فیملی، میوہ والا فیملی، مکھی فیملی، تھاور فیملی اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرت تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ سامنے مجمع رہے اور گفتگو کرنے میں آسانی ہو۔ آگے آ جائیں، جگہ بہت خالی ہے۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق طاہرہ بعزت الرسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی
शहादत की मुनासिबत से ये खमसा मजालिस मुनक़िद हुआ है, लिहाजा ये एक बेहतरीन मौका है कि ख़वातीन के ताल्लुक़ से और उनकी ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से और उनके मकाम व मर्तबे के एतबार से गुफ्तगू की जाए। और इस्लामी तालीमात ने उन्हें क्या दर्जा दिया है और खुदावंद आलम ने उन्हें क्या ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं उसके ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जाए। और जाहिलियत के उस अंदाज़ से परहेज़ किया जाए कि जिसमें औरत सिर्फ़ एक मताए बाज़ार से ज़्यादा और कुछ नहीं थी, लेकिन इस्लाम ने उसे किस क़दर इज़्ज़त व अज़मत से नवाजा है। मैंने जिस आय करीमा की तलावत की है, सूरह नहल की ये मशहूर व मारूफ आयत जिसमें खुदावंद आलम तमाम अक्वाम आलम के फ़िक्र के ख़िलाफ़ ख़वातीन और मर्दों को मानवीयत के कस्ब के सिलसिले में यकसां देख रहा। दुनिया वाले औरतों को अलग रखते हैं और मर्दों को अलग रखते हैं, लेकिन रूहानियत और मानवीयत के कस्ब के एतबार से, उसके हुसूल के एतबार से इस्लाम में कोई तफरीक नहीं है। यानी जिस तरीक़े से मर्द मानवीयत को हासिल करके खुदा की बारगाह में मुकर्रब बन सकता है, इसी तरीक़े से ख़वातीन को भी इसका इख्तियार हासिल है। लेकिन जब तक दूसरे मज़ाहिब और दूसरे मकातिब फ़िक्र में ख़वातीन के ताल्लुक़ से, औरतों के ताल्लुक़ से मौजूद नज़रियात हमारी निगाहों के सामने नहीं आएंगे, उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं होगा कि इस्लाम ने औरतों को क्या मकाम और क्या मर्तबा दिया है। इस आय करीमा में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खुदावंद आलम ने मर्द और औरत को अपने तकर्रुब के सिलसिले में बराबरी का दर्जा दिया है। मन अमेला सालेहन मिन ज़करिन औ उन्था वहुआ मुमिनुन, औरत या मर्द दोनों में से कोई भी अगर मोमिन हो और नेक अमल अंजाम दे, यानी फजीलत मर्दों की इजारादारी नहीं है, उनकी मीरास नहीं है। मन अमेला सालेहन, जो भी नेक अमल अंजाम दे, अब वो नेक अमल अंजाम देने वाला चाहे मर्दों से ताल्लुक़ रखने वाला हो और उनसा या ख़वातीन से ताल्लुक़ रखने वाला हो, शर्त क्या है? वह हुआ मोमिनुन, सिर्फ अमल साले अंजाम न दे, ईमान के साये में अमल साले अंजाम दे, ईमान के ज़ेर साया अगर उसने नेक अमल अंजाम दिया है, फला नुह ये यन नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे इंतहाई पाको पाकीज़ा और तय्यब हयात से नवाजेंगे, उसे दुनिया में बेहतरीन मुतमईन बख्श या इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करेंगे। वला नजज़ियन नहुम बे अहसन माकानू या अमलून, वला नजज़ियन नहुम बे अहसन माकानू या अमलून, और उन्हें उनके बेहतरीन अमल का, अच्छे अमल का बेहतरीन एतबार से उन्हें जज़ा फराहम करेंगे। यानी इस तरीक़े से क़ुरान ने हमें इस बात की तालीम दी है कि अगर कोई शख्स हालत ईमान में, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, नेक अमल को अंजाम देता है, तो अगर दुनिया में वो ज़िंदा रहता है तो उसे हयात तय्यबा इनायत करते हैं, और जब इस दुनिया से चला जाता है तो हम उसे आखिरत में बेहतरीन
अजरो जजा का मुस्तहिक करार देते हैं। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा ये तसव्वुर जो आज इस्लाम के ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम के तौर पर पेश किया जाता है कि इस्लाम ने औरतों को कैदी बना के घर में रखा है या मर्दों से कमतर समझा है या उन्हें कमतर हिस्सा दिया है या उन्हें नज़रअंदाज किया है, ये इल्ज़ाम जो है वो सिरे से बातिल है। इसलिए कि इस्लाम ने औरतों की तरफदारी उस मौके पर की है जब लोग औरतों को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं देते थे। आज औरत अमली एतबार से अगर देखा जाए तो उसके बारे में अगरचे दावा यह है कि हम उसे बराबरी का मौका दे रहे हैं, बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन वाकई एतबार से अगर देखा जाए तो उसे खिलौना बनाया गया है। आज उसकी इज्जत और उसके वक़ार से बाकायदा खिलवाड़ किया जा रहा है इस नाम के ऊपर कि हम इनको बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। घर की चार दीवारी से निकाल करके उन्हें अपने साथ मशगूल कर लिया है, घर की जिम्मेदारियां भी उसके सर हैं और उसके बाद बाहर की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है। इस्लाम ने औरतों को जो मकाम और मर्तबा दिया है उनकी जिम्मेदारियों के एतबार से, इसलिए कि हमेशा जिम्मेदारियों के एतबार से समझा जाता है कि इस आदमी का मकाम क्या है, इस आदमी का मर्तबा क्या है, तो ज़ात के एतबार से जो जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं उसकी बुनियाद पर समझा जाता है कि किसका मकाम जो है वो कितना बुलंद है और कितना मर्तबा उसका ऊंचा है। जितनी जिम्मेदारियां अहम होती हैं उतना ही उसका रुतबा अहम होता है। खुदावंद आलम ने जो जिम्मेदारियां औरतों के हवाले की हैं वो मर्दों के हवाले भी नहीं की। जो मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। मर्द का काम क्या है? फैक्ट्री जाना, कारखाने जाना, ऑफिस जाना और जा करके पैसे कमा के लाना और घर के नज्म व नस्क को चलाना। लेकिन असल घर को चलाने वाली वो खातून होती है जो घर की चहारदीवारी में रहती है। एक दिन मर्द को छुट्टी मिलती है। हमारे आपके यहाँ इतवार का दिन है, उस एक दिन में इन साहब को अपने बच्चों की जो जिम्मेदारियां महसूस होती हैं तो मालूम यह होता है कि ये घर में रुकना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए कि बच्चों ने इतना तंग किया, इतना शोर मचाया, इतनी फरमाइशें की कि अब इसी में आफियत समझते हैं कि ऑफिस ही बड़ा अच्छा होता है। तो एक दिन अगर हफ्ते में ये घर में रह जाएं और बच्चों की नाज बर्दारी करें तो इन्हें पता चलता है कि बच्चे पालना आसान काम नहीं है। खुदावंद आलम ने इस अजीम जिम्मेदारी को औरत के कांधे पर रखा। तो औरत का काम पैसे कमाना नहीं है, औरत का काम है वो नस्ल तरबियत करना जो इंसान के मुस्तकबिल की भी जिम्मेदार है और इंसान के अकदार की भी जिम्मेदार। इसलिए कि अगर ये औरत पैसा कमाना चाहे तो बहुत कमा सकती है, कमा ही रही है। तो जो काम मर्द कर रहे हैं वो काम औरत कर ही रही है, बल्कि बाज़ औक़ात बाज़ ऑफिसेस की जो सरबराह होती है वो औरत होती है, उसके ज़ेर दस्त और उसके मातहत बहुत से मर्द काम करते हैं, यानी उसकी हुकूमत के ज़ेर तहत रह करके न जाने कितने मर्द काम करके अपने घरों को चला रहे हैं। औरत उस मकाम और मर्तबे तक पहुंच सकती है, लेकिन जो काम मखसूस है औरतों के ताल्लुक़ से वो काम मर्द नहीं कर सकता है। बच्चों को पालना, उनकी तरबियत करना, उन्हें परवान चढ़ाना, उन्हें अच्छे वैलूस से आशना कराना, अच्छे अकदार से उन्हें आशना कराना, उन्हें बेहतरीन इंसान बनाना, बेहतरीन शहरी बनाना, ये सब ख्वातीन का काम है। लिहाजा वो अफराद के जो इस्लाम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्लाम ने मर्दों के मुकाबले में औरतों को कोई हैसियत नहीं दी है,
उनका इल्ज़ाम इंतहाई गलत है, इसलिए कि इस्लाम ने तो औरतों को जीने का सलीका भी बताया है और उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाया है और मर्दों से बताया है कि तुम इनके साथ किस तरीके से पेश आओ और इनका वक़ार किस तरीके से महफूज रहे। लिहाजा अगर इस्लाम की तालीमात में हम ख़वातीन को देखेंगे तो ख़वातीन एक बरतरीन मौजूद की हैसियत से हमारी निगाहों के सामने आएंगी, इस्लाम की निगाह में भी और पैगम्बर इस्लाम की निगाह में भी। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। खुद इस आयत ने फैसला कर दिया कि जो भी नेक अमल अंजाम देगा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, शर्त यह है कि ईमान हो, हम उसे हयात तय्यबा इनायत करेंगे। इंशाल्लाह इस ज़िम्न में अर्ज़ किया जाएगा कि मसलन हयात तय्यबा से मुराद क्या है। खुदा वंदे आलम दुनिया में जो हयात तय्यबा देना चाहता है उस हयात तय्यबा का मफहूम क्या है, किस चीज़ को उसने हयात तय्यबा से ताबीर किया है। लेकिन अभी हमारा मसला ये है कि खुदा वंदे आलम इरशाद फरमा रहा है कि जो भी मर्द औरत में से नेक अमल अंजाम देता है हालत ईमान में, हम उसे ये जज़ा देते हैं चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। इसका मतलब ये है कि मिन ज़करीन और उनसा ये दोनों लफ्ज़ें जो क़ुरान ने इस्तेमाल की हैं उसके एतबार से मर्दों को औरतों पर कोई फ़ौकियत हासिल नहीं, या औरतों को अपने ताल्लुक़ से एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए कि खुदावंद आलम ने हमें नज़रअंदाज किया है। हाँ, दोनों की साख्त अलग है, दोनों के जज्बात अलग हैं, दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं। ये इंसानों का वसवसा है, ये दुनिया वालों की फजीहत है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में हर एतबार से ला रहे हैं, वरना दोनों का मैदान अलग है, दोनों का काम अलग है। दोनों को एक जगह इकट्ठा करना और एक मैदान में दौड़ाना ये इंतहाई नाइंसाफ़ी का काम है, इसलिए कि जब जिम्मेदारियां अलग हैं तो दोनों का एक मैदान में कंपटीशन भी नहीं हो सकता। दुनिया कमाना, घर के नज़्म व नस्क के लिए पैसे लाना, यह औरत की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए कि औरत की तख्लीक़ और औरत की खिलकत के साथ ये चीज़ साजगार नहीं है, इसलिए कि औरत का काम तख्लीक़ का भी है, बच्चों की पैदाइश का मरहला भी औरतों के साथ है और बच्चों की तरबियत का मरहला भी औरतों के साथ है। और जब बच्चों की पैदाइश और तरबियत दोनों मरहले औरतों के साथ मुतालिक हो जाते हैं तो अभी इस बेचारी को घर से निकलने की फुर्सत ही कहाँ है जो ये पैसे कमाने जाएगी। हाँ, अगर इसे मजबूर करके बाहर निकाला जाएगा तो ये मर्दों से ज़्यादा भी कमा सकती है, लेकिन किस कीमत पर? तो कमाना ये औरतों की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, खानवादे की मदद अगर घर में होकर के हो सकती है तो इस्लाम ने मना नहीं किया है। चुनांचे इस्लामी तालीमात में भी हमें दिखाई देता है कि ख़वातीन घर में रह करके अपने ख़ानदान की मदद करती थी। सिद्दीक़ ताहिरा की ज़िंदगी आप देखें कि अगर अली यहूदी के बाग में पानी दे रहे हैं तो फ़ातिमा घर में चक्की चला करके और सूत काट करके ख़ानदान के इक़्तिसाद को मजबूत कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? लेकिन चहार दीवारी के अंदर रह करके, चहार दीवारी से बाहर ये मामला नहीं है, लिहाजा औरतों को मैदान तजारत में लाना ये मर्दों की गलत नीयत का एक नतीजा है जो हमारी निगाहों के सामने आ रहा है। उसे बाज़ार का एक सामान भी बना दिया है। आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो औरत के बग़ैर बिक जाए। इश्तिहार की दुनिया में आप देखिए, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो माचिस हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको बेचने के लिए खातून का सहारा नहीं लिया जाता है? सामने ऐसा महसूस कराया जाता है कि हम इनको इज्जत दे रहे हैं, लेकिन बदन के जो कपड़े हैं वो भी उतार लिए जाते हैं। और चालाकी ये है कि मर्द खुद अपने आप को ढकाए और छुपाए रखता है, अपने आप को छुपाए रखता है, अपने बदन को
पूरे एतबार से, मुकम्मल एतबार से छुपाए रखता है, टाई भी लगाए हुए है और गुलू के बटन भी बंद हैं, कफ़ के बटन भी बंद हैं, टाई भी लगाए हुए है, पैंट भी पहने हुए है, मोज़ा भी पहने हुए है, और इसके मुकाबले में जिस औरत को लाया जा रहा है उसके पूरे कपड़े भी नहीं हैं। तो अगर ये कपड़े अच्छी चीज़ है तो दोनों को पहनने चाहिए, और अगर अच्छी चीज़ नहीं है तो खुद आप क्यों पहने हैं और उसको क्यों नंगा किए हुए हैं। और ये बात हम पहले से महसूस कर रहे हैं। आप देखें, जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो बच्चों की ज़हनियत उसी ज़माने में तब्दील की जाती है। यहाँ तो मसला नहीं है, इसलिए कि बम्बई में हमेशा गर्मी रहती है, कोई मसला ही नहीं है, कम से कम कपड़े पहनिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो शहर या वो स्टेट्स कि जहाँ पे शदीद सर्दी पड़ती है, लेकिन अगर लड़का स्कूल जा रहा है तो मुकम्मल ड्रेस में कोट भी पहने हुए है, स्वेटर भी पहने हुए है, फुल पैंट भी पहने हुए है और पूरा बदन बंद है, लेकिन अगर लड़की जा रही है तो उसकी टांगें खुली हुई हैं, छोटा सा स्कर्ट पहने हुए है, डिज़ाइन किया गया है उसको बेगैरत बनाने के लिए। इसलिए कि अगर बचपने से इसको छोटे कपड़े नहीं पहनाए जाएंगे तो फिर ये छोटे कपड़ों की आदी नहीं रहेगी, लोगों की लज्जत निगाह का मरकज नहीं बनेगी, अपने आप को बचाएगी। लिहाजा बचपने से, वरना स्कूलों को क्या दिलचस्पी है कि वो लड़कियों को नंगा रखे? आखिर क्या ज़रूरत है कि लड़कों को फुल लिबास दिया जाता है और लड़कियों को अधूरा लिबास दिया जाता है? अगर लिबास का ताल्लुक तालीम से है और अधूरे लिबास में तालीम मुकम्मल होती है तो साहबजादे को मुकम्मल लिबास क्यों पहनाया है? और अगर इसका लिबास से ताल्लुक नहीं है तो कम से कम इतना रहम कीजिए कि सर्दी में इसको कम से कम पैंट पहनने दीजिए, शलवार पहनने दीजिए, ऐसा मुकम्मल लिबास पहनने दीजिए कि जो सर्दी में ये ठिठुरे नहीं और इसको कोई परेशानी ना हो। लेकिन हुआ क्या है कि हमने अपनी वैल्यूज ऐसे डेवलप की है कि हम सर्दी में मर जाए वो गवारा है, लेकिन तरक्की याफ्ता न कहलाएं ये गवारा नहीं है। सलावात पढ़ें मुहम्मद वाल पे। तो हम जब दुनिया वालों की ऐनक से देखेंगे तो वही देखना पसंद करेंगे जो वो दिखाना चाहते हैं। वो हमारे दीन से खेल रहे हैं, वो हमारे इस्लाम से खेल रहे हैं, वो हमारी इज्जत से खेल रहे हैं, वो हमारे वक़ार से खेल रहे हैं, वो हमारे ख़ानदान से खेल रहे हैं। और ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की फ़िक्र। इंसान महसूस करे कि हम क्या कर रहे हैं, किसकी तकलीद कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो हमारे हत्ते चलते ही नहीं है। मैं उन अफराद की बात कर रहा हूं जहां दीन पाया जाता है, जहां मजहब पाया जाता है, जहां नमाज है, जहां पर्दा है। आप देखिए किसी फंक्शन में, किसी शादी में जाके देखिए, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चियां वही लिबास पहने हुए हैं जो नई फिल्म में ज्यादा हिट हुआ है। अब चूंकि खातून को पहनने का मौका नहीं मिला है, लिहाजा उन्होंने अपनी पूरी हसरत बच्ची को पहना करके निकाल ली है। छोटी छोटी बच्चियां, बिल्कुल नन्ही मासूम, इधर उधर भागती फिर रही हैं इंतहाई छोटे कपड़े में। हमें भी ये बात समझ में आती है कि अभी ये बच्चियां छोटी हैं, न इनके ऊपर कोई चीज़ वाजिब है, न इनके ऊपर कोई चीज़ हराम है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इंसान की नज़र में जिस चीज़ को अहम बनाया जाता है बचपने से वो अहम बनती है, और जिस चीज़ की वक़्त को घटाया जाता है बचपने से उस चीज़ की वक़्त कम होती है। ये बच्चे जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने वालिदैन को सजदा करते हुए देखा। ये तो बहुत बड़े बच्चे हैं, वो बच्चे जिनको मालूम ही नहीं कि सजदागाह क्या है और सजदा क्या है, नमाज क्या है। उन्होंने सजदागाह पर माँ बाप को सजदा करते हुए देखा, तब उन्हें यह भी पता नहीं कि किबला इस तरफ है या इस तरफ। जहां सजदागाह पाया वहीं उन्होंने सर टेक दिया। उनको ये भी नहीं मालूम कि आजाए सजदा कितने हैं, कितनी चीजों को टिकना चाहिए, बस उन्होंने अपना सर।
तो जितना समझे उतना किया या नहीं किया? किसने उनसे कहा था कि तुम सजदा करो? किसने उनको सिखाया? मां बाप को सजदा करते हुए देखा, लिहाजा उन्होंने सजदा करना शुरू कर दिया। तो ये छोटे बच्चे जिनको हम छोटा समझ रहे हैं, इनको छोटा न समझिए। इनका जहन इंतहाई सादा है। जो कुछ आप लिखना चाहें, जो कुछ आप इसमें भरना चाहें वो भर सकते हैं। बस आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप वही भरिए जो खुदा चाहता है। इसलिए कि जो कुछ बचपने में भर गया है उसको निकाला नहीं जा सकता है, और जिस चीज की अहमियत बचपने में नहीं दी गई है उसको बाद में मनवाया नहीं जा सकता है। आज जो हमारे यहां मजहब सेकेंडरी बन चुका है उसकी वजह खुद हम हैं। जब हम सारी बातें कर लेंगे और वक्त बचेगा तो मजहब है, ये प्रैक्टिकल है। लाख हम लोगों के सामने अच्छे बन जाएं, वरना हम सब का हश्र एक ही है। बच्चों के स्कूल को हम अहमियत देते हैं। क्यों अहमियत देते हैं? इसलिए कि उससे रोटी का एक ताल्लुक है। आज माँ बाप को यही फिक्र सताए जा रही है कि अगर हमने बच्चों को तालीम नहीं दी, इनकी मसलन क्वालिफिकेशन का इंतज़ाम नहीं किया, तो आइंदा ये क्या करेंगे और किस बुनियाद के ऊपर ज़िंदगी गुजारेंगे। ये एक फ़िक्र है जो इनको सताया जा रही है, और इस बुनियाद के ऊपर, तालीम के ऊपर इतना ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि विलादत जो है बाद में होती है और डोनेशन के साथ एडमिशन पहले होता है। बच्चा पैदा हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एडमिशन हो गया है। अब ये बच्चा अगर सुबह नहीं उठता है तो हम हर तरीका इस्तेमाल करते हैं इसको उठाने के लिए, इसलिए कि स्कूल जाना है इसको, हमें इसके मुस्तकबिल की फिक्र है। अगर ये आज नहीं जाएगा तो पढ़ेगा नहीं तो इम्तिहान नहीं देगा, इम्तिहान अगर नहीं देगा तो पास नहीं हो सकेगा या इसके नंबर नहीं आ सकेंगे, ये कंपटीशन में शरीक नहीं हो सकेगा, लिहाजा इसका कोई फ्यूचर नहीं, लिहाजा ये मार के उठाया जाए तुम उठाया जाएगा, और अगर प्यार से उठाया जाए तो उठाया जाएगा। इसको बहरहाल उठना है, लेकिन अगर किसी ने कह दिया नमाज के लिए कि नहीं उठाया, तो अब हज़ार बहाने हैं कि जनाब वो सुबह से अगर उठते हैं तो फिर दिन भर लेटने को नहीं मिलता है, और बच्चा परेशान हो जाता है और मुश्किल में आता है, उसको ट्यूशन जाना होता है, उसको होमवर्क करना पड़ता है। तो अगर नमाज के लिए खुदा उठाए तो हम बच्चे की तरफदारी करते हैं कि इसको न छेड़ा जाए, इसके आराम में खलल न डाला जाए। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल के लिए नहीं उठता है तो फिर हम शिम्र से बदतर हो जाते हैं। क्यों नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, हम इसको भेज के रहेंगे? तो जब तक मजहब का मामला होता है हम सेकुलर रहते हैं। ठीक है, हमने कह दिया है, अब ये बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो समझे नमाज पढ़ना या नहीं पढ़ना है, लेकिन जहां स्कूल का मामला आता है वहां हम डंडी लिए खड़े हुए हैं, वहां हम छड़ी लिए खड़े हुए हैं, वहां हम तादीब के लिए तैयार हैं। तो पता ये चला कि हम मजहब के बारे में इंतहाई सेकुलर वाक़ हुए हैं। लिहाजा बचपने से अगर हम बच्चे के ऊपर मजहब के एतबार से कोई दबाव नहीं डालेंगे तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि नमाज सुबह इतनी अहमियत रखती है कि उठाया जाए। लेकिन स्कूल, आप खुद तजुर्बा कर सकते हो, तजुर्बा किया होगा, मैं आपके तजुर्बे की बात दोहरा रहा हूं कि रोज उठने में, और जिस दिन बच्चे को पिकनिक पे जाना है उस दिन शायद आपको उठाने की भी जरूरत ना पड़े, बच्चा खुद से उठ जाता है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर खुश शौक पैदा है कि अगर न उठेंगे या वालिदैन कहीं गफलत में रह गए और उन्होंने न उठाया तो हमारी बस चली जाएगी। तो पता ये चला कि जब इंसान के अंदर खुद एक एहसास से शौक होता है तो फिर किसी को उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब पता ये चलता है कि हम मजहब को किस तरीके से बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं। अगर मजहब को ऐसे पेश किया जाए कि उनके अंदर शौक पैदा हो जाए तो अब न डंडी की ज़रूरत है, न छड़ी की ज़रूरत है, न तादीब की ज़रूरत है, बल्कि एक हदीस काफ़ी है, एक आयत काफ़ी है, एक तरबियत काफ़ी है। और अगर शौक न पैदा किया जाए तो हम उठा
मना करके भी, उनके साथ सख्ती करके भी मजहब की वैल्यूज उनके जहन में पैदा नहीं कर सकते। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी निगाहों के सामने हैं। फ़कत इतनी बात कहनी है कि हम दुनिया वालों की निगाह से न देखें। हमारा एक व्यू है, मद्देनज़र है, हमारा सोचने का एक तरीका है। हम न दीन के लिए दुनिया छोड़ सकते हैं, न दुनिया के लिए दीन छोड़ सकते हैं। इसलिए कि अगर दीन को अहमियत हासिल है तो इस्लाम ने बताया है, और अगर दुनिया को अहमियत हासिल है तो इस्लाम को बताया है, इस्लाम ने बताया है। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक दोनों हमारे लिए अहम है। अगर हमने दुनिया को छोड़ दिया तो आखिरत तक पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए कि बगैर सीढ़ी के इंसान छत पर नहीं जा सकता है। तो ये दुनिया सीढ़ी है आखिरत के लिए, ये दुनिया खेती है आखिरत के लिए, यह दुनिया जरिया है आखिरत तक पहुंचने के लिए। तो जब तक जरिया ना होगा तब तक वहां पहुंचा नहीं जा सकता। लिहाजा दुनिया भी अहम है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि दुनिया अहम है लेकिन दुनिया मकसद नहीं है, दुनिया रास्ता। मकसद और रास्ते में फर्क होना चाहिए, हदफ और रास्ते में फर्क होना चाहिए। जो रास्ता है उसे हदफ ना बनाया जाए। पुल बनाया जाता है पार करने के लिए, रास्ते को छोटा बनाने के लिए। पुल के जरिए से इंसान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है, लेकिन अगर किसी ने पुल ही के ऊपर जाकर के अपना बिस्तर लगा दिया कि नहीं ये बड़ी अच्छी जगह है, तो लोग उठाएंगे कि ये पुल गुजरने के लिए है, सोने के लिए नहीं है, आराम करने के लिए नहीं है। तो ये दुनिया आखिरत तक पहुंचाने के लिए है लेकिन दुनिया रहने के लिए नहीं है। इसी दुनिया के जरिए से हम आखिरत को इस्तेमाल कर सकते। तो हमें इस्लामी नुक्ते नज़र को मद्देनज़र रखना है। इस्लाम ने क्या कहा है और दुनिया वालों ने क्या समझाना चाहा है। अगर हम दुनिया के एतबार से चलेंगे तो दुनिया के पास क्या है देने के लिए, सिवाय जिल्लत, सिवाय रुसवाई, सिवाय बदनामी, और क्या है। लेकिन अगर हम इस्लाम के नुक्ते नजर से चलेंगे तो इस्लाम कहता है फला नोह ये यन नहु हयातन तय्यबा। तुम अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि अच्छी जिंदगी क्या है। यह तो इस्लाम की ऐनक बताएगी कि हयात तय्यब क्या है। तुम समझते हो मालदारी में हयात तय्यब पाई जाती है, तुम समझते हो कि इख्तदार और कुर्सी में हयात तय्यब पाई जाती है। नहीं, हम हयात तय्यबा देंगे, यानी तुम हासिल नहीं कर सकते हो। जिसे हयात तय्यबा मिलती है वो हमारे जरिए से मिलती है। कैसे मिलेगी, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्था वहुवा मुमिन, जो भी नेक अमल अंजाम देगा चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो और उसका नेक अमल ईमान के साए में हो, तो हम उसकी दुनिया में जजा ये देंगे कि उसे हयात तय्यबा से नवाजेंगे, और जब वो इस दुनिया से गुजर जाएगा तो हम उसे उसके अमल की बेहतरीन जजा देंगे। यानी दुनिया में भी महरूम नहीं रह पाएगा और आखिरत में भी बेहतरीन जजा का मुस्तहिक करार पाएगा। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। तो हयात तय्यबा की बात इंशाल्लाह बाद में रहेगी। आज जो हमारी गुफ्तगू है वो ये कि इस्लाम ने औरतों को इंतहाई अज़मत और वक़ार की निगाह से देखा है, और ये वक़ार और अज़मत इस बुनियाद के ऊपर है कि उनके हवाले एक अहम ज़िम्मेदारी की गई है। तो मकाम व मर्तबा पहचाना जाता है ज़िम्मेदारी की बुनियाद के ऊपर। कौन सी जिम्मेदारी किसके हवाले की गई है, मसलन ये महफिल, ये इमामबाड़ा, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है जिस आदमी की, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसका मकाम भी उतना ही ऊंचा है। अब जिम्मेदारियों से पहचाना जाता है कि किसका मकाम कितना बुलंद है।
जिसकी जिम्मेदारी बड़ी होगी उसका मकाम भी बुलंद होगा। दुनिया वालों ने औरतों को क्या जिम्मेदारी दी है और इस्लाम ने औरतों को क्या जिम्मेदारी दी है, इसका मवाजना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। दुनिया वालों ने कहा औरत और मर्द में कमाने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है, इन्हें भी बाहर निकलना चाहिए, कमाना चाहिए और नौकरी करना चाहिए, हालात के सर्द गर्म से पंजा लड़ाना चाहिए और अपने इक्तसाद को मुकम्मल एतबार से तहत कफारत लेना चाहिए। ये सारी बातें दुनिया वालों ने की। इस्लाम ने कहा कि इस्लाम ने उनकी तालीमात में या इस्लाम ने उनकी जिम्मेदारियों के एतबार से जो खाना मुय्यन किया है वो ये मुय्यन किया है कि ये खातून अपने घर में रह कर के एक ऐसी नस्ल की तरबियत करे कि जो नस्ल अच्छे शहरी और अच्छे समाज में परवरिश पाने वाले और अच्छे अनासिर इस दुनिया में मौजूद कर सकें और इस दुनिया में अच्छे अफराद फराहम कर सकें। इसलिए कि अगर अच्छी तरबियत नहीं होगी तो अच्छे अफराद नहीं होंगे, अच्छे अफराद नहीं होंगे तो सब कुछ हो सकता है, न सुकून हो सकता है न इत्मीनान हासिल हो सकता है। सलावात पढ़े मुहम्मद वाल। इस्लाम ने औरत को यह मर्तबा दिया है कि मर्द के मुकाबले में उसको फौकियत हासिल है। कैसे? इस्लामी फिक्र समाज और मुआशरे की गलत अफकार से लड़ना जो भी हो, इस्लाम का नज़रिया यह है। बाज़ लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं कि जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए, यानी जो गलत हो रहा है उसको न छेड़ा जाए और उससे पंजा आजमाई न की जाए, लिहाजा जो चल रहा है वो चलने दिया जाए। इस्लाम ने इनकलाबी कदम उठाया है, यानी जो चल रहा है अगर सही है तो चलने दिया जाए और अगर गलत है तो उसके ऊपर एतराज किया जाए। और जाहिर सी बात है, अब कहने की जरूरत नहीं है कि जो इस्लाम का तरीका है वही मुसलमान का अंदाज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस्लाम कुछ और कहेगा और मुसलमान कुछ और करेगा। होना यही चाहिए कि जो इस्लाम कहे वही मुसलमान करे। पैगंबर के ज़माने की बात करते हैं, पैगंबर के ज़माने में औरतों के साथ क्या सलूक होता था? जो सलूक होता है वो आपकी निगाहों के सामने है। मैं सिर्फ एक वाकया बयान करना चाहता हूँ जिससे अंदाज़ा होगा कि कैसे कैसे लोग थे। एक शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया है वो पैगंबर की बारगाह में बैठा हुआ है, कहता हुजूर ज़माने जाहिलियत में हमसे कुछ गुनाह हुए हैं, उनके बारे में बताइए क्या तदारुक किया जाए। इस्लाम की रोशनी ने उसकी आंखें खोल दी हैं, अभी तक उसकी निगाह में बेहतरीन काम यह था कि अगर घर में लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाए, लेकिन जब इस्लाम की तालीमात ने उसकी आंखें खोल दी तो अब उसे एहसास पशेमानी हो रहा। फ़र्क आता है कि नहीं आता है? मद्देनज़र तब्दील हुआ, वैलूस तब्दील हुई। लिहाजा जिसको अब तक फ़ख्र महसूस कर रहा था कि हमने 9 लड़कियां अपने हाथों से दफन की हैं, आज उसके ऊपर वो पछता रहा है, पशेमान हो रहा है कि हुजूर ये गुनाह तो हो गया है लेकिन इस गुनाह का तदारुक कैसे किया जाए, इसका जुबरान कैसे किया जाए, इसके आज़ाब से कैसे बचा जाए। वो वाकयात बयान कर रहा था और पैगंबर की आंखों से आंसू जारी थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? तुम अपने समरे हयात को, अपने लखते जिगर को अपने हाथों से दफन करते रहे। कहा हुजूर और लड़कियों को तो हमने उस आलम में दफन किया है कि जब वो पैदाइश के चंद घंटे के बाद ही हमारे हाथ लग गई थी, लेकिन एक लड़की तो कुछ बड़ी हो गई थी, जिस वक्त मैं उसके लिए कब्र खोद रहा था तो मेरे ऊपर जो मिट्टी आ रही थी वो बड़े प्यार से उस मिट्टी को हटा रही थी कि बाबा आपका लिबास गंदा हो रहा है, आपके जिस्म पर मिट्टी आ रही है, इसके बावजूद भी मैंने उसको दफन कर दिया।
पैगंबर ने कहा चले जाओ वरना कहीं तुम्हारी वजह से अजाब ना नाजिल हो जाए। कहा हुजूर ये सब कुछ हो गया, बताइए इसका तदारुक क्या है। कहा हर लड़की के एवज में गुलाम आजाद करो, ये गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन बहरहाल इस्लाम में बुनबस नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसका कोई हल ना हो। लिहाजा इस्लाम ने बताया कि हर लड़की के आवाज़ में तुम्हें गुलाम आज़ाद करो। तुमने कत्ल किया है, तुमने खून किया है, और कैसा खून, जिंदा दफन करते थे। क्यों जिंदा दफन करते थे? बड़े फिक्र वाले लोग थे कि अगर हम इसको मारेंगे तो कत्ल का इल्ज़ाम सर पे आएगा कि हमने अपनी औलाद को कत्ल किया, लिहाजा दफन कर दो, दफन होने से मर जाए तो कम से कम हम कत्ल के गुनाह से बचेंगे। अब ऐसी फिक्र अगर हो तो फिर इसकी तरबियत कैसे हो सकती है कि इतने चालाक थे कि कत्ल के इल्ज़ाम से बचना चाहते थे, जबकि वो ये समझ सकते थे कि जब हम इसको ज़िंदा दफन कर रहे हैं तो ये दफन करना ही कत्ल का इकदाम है, और बल्कि बदतरीन इकदाम है कि अगर कत्ल करके हम दफन करते तो शायद इतनी अजियत ना होती जितना मिट्टी के ढेर के नीचे उसका दम घुट के जब वो मर रही है उसको अजियत हो रही है। तो जो जिंदा दफन की जा रही थी, पैगंबर ने उस फिक्र से जंग की है, और ये जंग सिर्फ जबानी नहीं है कि पैगंबर ने कहा हो कि औरतों को भी जिंदा रहने का हक है, ये नहीं कहा कि औरतों को दफन करने की ज़रूरत नहीं है या आइंदा कोई शख्स औरतों को दफन न करे, नहीं, जहां औरतें दफन की जा रही थी वहां पैगंबर ने अपनी एक लड़की की ताज़ीम करके बताया कि औरत दफन करने के लायक नहीं है बल्कि उसकी ताज़ीम करने की ज़रूरत है। कायनात का कौन सा ऐसा दीन है, कौन सा ऐसा मकतब फिक्र है जो औरत के ताल्लुक से इतनी अजमत का कायल हो जाए कि उसके लिए नबी खुदा ताजीम के लिए खड़े। हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, उससे लगाव रखता है, उससे अपने राज़-ए दिल को बयान करता है, बहुत ज्यादा क्लोज होता है, तो प्यार करना एक अलग चीज़ है, मोहब्बत करना एक अलग चीज़ है, और उसकी ताज़ीम करना एक अलग चीज़ है। और ये ताज़ीम अगर कोई आम शख्स करता तो इतनी अहमियत ना होती। वो कर रहा है जो खातमुन नबीयीन है, जो सैयदुल मुरसलीन है, जिसका उठना जिसका बैठना सब वही परवरदिगार के इशारे के ऊपर हो। इसका मतलब यह है कि इस औरत की ताज़ीम का जो हुक्म दिया जा रहा है वो सिर्फ पैगंबर के एतबार से नहीं है बल्कि खुदा की तरफ से हुक्म है, और पैगंबर अमली एतबार से उसका मज़ाहरा कर रहे हैं। इस्लाम सिर्फ यही हक नहीं दे रहा है कि तुम औरतों को दफन न करो, लड़कियों को जिंदा दरगोर न करो, नहीं, जहां लड़कियां जिंदा दरगोर कर दिए जाने के लायक हैं वहां इस्लाम ने एक बेटी पैगंबर के हवाले की है। और अगर हम मुसलमान हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी फिक्र वही होना चाहिए जो इस्लामी फिक्र है। बेटी और बेटे का फर्क यह सिर्फ आज नहीं है, यह हमेशा से रहा है, और हमेशा ये फिक्र रही है कि बेटा ऊंचा है और बेटी नीची है, कमतर है। इस्लाम ने इस फर्क को कबूल नहीं किया बल्कि इस ज़हनियत से जंग की है, जिहाद किया है। पहली बात तो यही आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है कि मन अमला सालेहन मिन ज़करिन औ उन्था, मर्द या औरत जो भी नेक अमल अंजाम दे, अब चाहे ये बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर नेक अमल अंजाम दे रहा है और ईमान के जेरे साया अंजाम दे रहा है, तो अब हयात तैयबा देने में हम ये ना देखेंगे कि ये अमल करने वाले फर्द जो है वो बेटी है या बेटा है, हम तो उसे जजा देंगे। लिहाजा ये फिक्र हमेशा रही है दुनिया वालों की कि बेटा अहम होता है और बेटी गैर अहम होती है, और यह फिक्र हमेशा रही है, पैगंबर के जमाने की बात नहीं है, उससे भी पहले की जमाने की बात है।
उस जमाने की जब जनाब मरियम की वालदा ने नज़र की है, रब्बे इन्नी नज़र तो माफ़ी बतनी, इन्नी नज़र तो लका माफ़ी बतनी मुहर्ररा, परवरदिगार मेरे शिकम में जो वजूद है, जो मौजूद है, मैं उसे तेरी खिदमत के लिए आज़ाद करार देती हूँ, यानी मैं उससे कोई काम नहीं लूँगी, सिर्फ तेरी खिदमत के लिए मैंने वक्फ कर दिया। और जब विलादत होती है, फलम्मा वज़ाअत क़ालत, क्या कहती हैं, इन्नी वज़ाअतुहा उन्था, परवरदिगार मैं तो समझी थी कि ये बेटा होगा मस्जिद की इबादत के लिए, मस्जिद की खिदमत के लिए मैंने नज़र की थी, वज़ाअतुहा उन्था, ये तो लड़की हो गई है। वल्लाहु आलम बिमा वज़ाअत, खुदा जानता है कि जनाब इमरान की बीवी ने किस बच्ची को जन्म दिया है। वलैसा ज़कर कल उन्था, और मर्द औरत दोनों बराबर नहीं हैं। ये फिक्र सामने आई। उसके बाद खुदा क्या कहता है, फ़तक़ब्बलहा बिक़बूलिन हसन, खुदावंद आलम ने बेहतरीन तरीके से इमरान की बीवी की दुआ कबूल की, व अम्बतहा नबातन हसना व कफ़लहा ज़करिया, पूरी यानी रुदाद है जो आपकी निगाहों के सामने है कि खुदावंद आलम ने जनाब मरियम की वालिदा की दुआ को मुकम्मल एतबार से, बेहतरीन एतबार से कबूल किया। तो मरियम की वालिदा ज़माने का नक्शा पेश कर रही हैं कि परवरदिगार मस्जिद की खिदमत के लिए तो लड़का चाहिए, इसलिए कि उस ज़माने के जो अफराद थे, इबादत करने वाले अफराद थे, या उस ज़माने के खुदा परस्त अफराद थे, उनकी निगाह में भी लड़के की हैसियत थी, लड़की की हैसियत नहीं थी। खुदावंद आलम ने उस फिक्र को बातिल करार दिया। फरमाता है फ़तक़ब्बलहा बिक़बूलिन हसन, खुदा ने इस दुआ को बेहतरीन अंदाज में कबूल किया। इसका मतलब क्या है, यानी बेटी दे करके ये बताया कि ए मरियम की वालिदा, जो कुछ तुम समझ रही हो वो सही नहीं है, जो कुछ मैं दे रहा हूं वो सही है। जमाने की फिक्र के एतबार से तुम मतालबा कर रही हो कि बेटा होना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। अगर मैं बेटा भी दे देता तो वो बेटा होता, मरियम ना होता। ये मरियम वो है जो सैयद निसाए आलमीन भी है और सैयद निसाए अहले वक्त भी है, अपने जमाने के तमाम औरतों की सरदार है। यानी अगर बेटा होता तो इस फजीलत का मालिक ना होता जितनी ये मरियम अपनी फजीलतों की मालिक है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। तो जो कुछ चल रहा है, जो फिक्रें चल रही हैं, उसके एतबार से जिंदगी गुजारना ये दुनिया वालों का काम है, लेकिन मौजूदा फिक्र अगर बातिल है तो मुसलमान को चाहिए, अहले इस्लाम को चाहिए, अहले कुरान को चाहिए कि उस फिक्र को ख़त्म करें और फिक्र की इस्लाह करें। खुदा क्या कह रहा है, मरियम की वालदा ने नज़र की थी कि इबादत गाह के लिए मैं एक बेटा फराहम करूं ताकि वो मस्जिद की खिदमत करे। तो बेटा, उनकी निगाह में बेटा ही खिदमत कर सकता था, लेकिन खुदा कहता है कि फ़तक़ब्बलहा बिक़बूलिन हसन, खुदावंद आलम ने बेहतरीन अंदाज में मरियम की दुआ को कबूल किया। इसका मतलब क्या है कि तुम दुनिया वालों की फ़िक्र के एतबार से मत सोचो, तुम इस्लामी फ़िक्र के एतबार से सोचो। हमने जो दिया है वो बेहतरीन है, वो अगर बेटी है तो वो मरियम है और तमाम बेटों से अफजल है, इतनी अफजल है कि अपने ज़माने में उसका कोई हमसर नहीं है। मासूम मरियम, साहिब इस्मत मरियम, नमूने अमल मरियम, सैयद निसा मरियम, ऐसी ऊंची खातून, ऐसी ऊंची बेटी, ऐसी बुलंद मर्तबा मरियम कि उस जमाने में मरियम के सामने कोई हमसर नहीं आ सका, कोई उनका जोड़ा नहीं बन सका। तनहा मरियम,
یہ فضیلت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا انہیں حاصل ہے کہ عصمت کبریٰ کے ساتھ ساتھ پوری ذمہ داری نبھا کر کے بتا رہی ہیں کہ گھر کی چہار دیواری میں رہ کے ایک بیٹی کا کردار کیا ہوتا ہے، ایک ماں کا کردار کیا ہوتا ہے، ایک زوجہ کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم صدیقہ طاہرہ کے کردار کو دیکھیں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی مختصر سی زندگی میں ہمیں کیا کیا سکھایا ہے، کتنی مختصر زندگی۔ آج ہمارے ترقی یافتہ دور میں کسی لڑکی کے کیریئر کا آغاز 18 سال ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے مرحلوں میں قدم رکھتی ہے تو 18 سال کی عمر میں، اگر بہت زیادہ جلدی ہوئی، ورنہ 20-22 سال تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اور فاطمہ نے 18 سال میں تمام مرحلے مکمل کر لیے۔ جب مورخ صدیقہ طاہرہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک کامل عورت، ایک مکمل خاتون جس نے پوری زندگی ایک اسوے کے اعتبار سے زندگی گزاری ہو، ان کی حیات سے جو روشنی ملتی ہے، ان کی زندگی سے جو خوشبو ملتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک مکمل زندگی گزاری ہو فاطمہ نے۔ باپ کے گھر میں ایک مایہ ناز بیٹی، ایک مثالی بیٹی، شوہر کے گھر میں ایک مثالی زوجہ اور ایک مثالی ماں۔ جو مثالی زوجہ بھی ہے، مثالی ماں بھی ہے اور مثالی بیٹی بھی ہے، اس کا کردار کتنا بلند ہوگا، وہ کتنی رحم دل ہوگی جو اپنے باپ کو بھی بیٹی ہوتے ہوئے ماں کا پیار دیتی ہے۔ فاطمہ کا ایک کردار، ایک انداز یہ بھی ہے کہ پیغمبر نے ان کو ایک لقب دیا ہے، ہم کنیت تو نہیں کہہ سکتے ہیں، اگرچہ کنیت کی طرح ہے لیکن یہ کنیت نہیں ہے، لقب ہے، ہیا ام ابیہا، یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، یہ اپنے باپ کی ماں بھی ہے۔ یعنی وہ پیغمبر کہ جن کی والدہ گرامی کی وفات ان کے بچپنے میں ہو گئی تھی، جنہوں نے یتیمی کی دھوپ دیکھی تھی، فاطمہ کے پیار، فاطمہ کی محبت، فاطمہ کی توجہ پا کر پیغمبر اس یتیمی کو بھول گئے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب پیغمبر اپنی یتیمی کو بھول گئے ہوں تو اس فاطمہ نے پیغمبر کو کتنا پیار دیا ہوگا، اس فاطمہ نے پیغمبر کو کتنی محبت دی ہوگی کہ پیغمبر کہتے ہیں ہیا ام ابیہا، یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، یہ اپنے باپ کی ماں بھی ہے۔ یعنی ان کے وجود میں بیٹی کا بھی مرتبہ پایا جاتا ہے اور ماں کا مرتبہ بھی پایا جاتا ہے، یہ میری ماں بھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پیغمبر کے وجود مقدس کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہو، وہ اپنے بچوں کے لیے کیسی ماں ہوگی، وہ اپنی اولاد کے لیے کیسی ماں ہوگی۔ عزیزو، کوئی بھی ماں، دنیا کی کوئی بھی ماں، اگر اس کی اولاد اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے بچے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، تو اپنے ہی لیے نہیں، وہ بچوں کے لیے مرنا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ ہم زندہ رہیں تاکہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، وہ چاہتی ہے کہ ہم موجود رہیں تاکہ ہمارے بچے ادھر ادھر نہ جائیں، اور خاص کر ایسے موقع پر جب بچے بہت چھوٹے ہوں۔
इंतहाई कमसिनी का आलम हो तो ऐसे माहौल में माओं की कोशिश ये होती है कि हमें कुछ न होने पाए ताकि बच्चे दर दर की ठोकरें न खाएं। अजीजो, जिस माँ, हर माँ में ये तसव्वुर है और हर माँ की यही ख्वाहिश है कि उसके बच्चे उसकी ममता के साए में परवान चढ़ें, तो फातिमा क्या ये न चाहती होंगी कि अपने बच्चों को परवान चढ़ाएं, अपने बच्चों की तरबियत करें। लेकिन यही फातिमा जमाने के जुल्म सितम के आगे इतना ज्यादा नाला है कि मुसल्ला इबादत पर बैठी हुई आवाज दे रही है, अज्जलिल्लाहुम्मा वफाती, परवरदिगार मेरी मौत को मुझसे करीब कर दे। अज्रकुम अल्लाह, मेरी मौत को मुझसे करीब कर दे। यह फातिमा अपनी मौत के लिए क्यों दुआ कर रही हैं? यह हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि तारीख के तनाजुर में हम तलाश करें कि वो कौन से असबाब, वो कौन से अवामिल, वो कौन से अनासिर थे जिनकी बुनियाद के ऊपर फातिमा को अपने लिए दुआ मांगनी पड़ रही है कि परवरदिगार तू हमारी मौत को करीब बुला दे, हमको मौत दे दे, इसलिए कि अब इस जिंदगी में कोई फायदा नहीं है, इस जिंदगी में कोई मजा नहीं। अजीजो, बाज लोगों ने यह तसव्वुर किया कि चूंकि फातिमा अपने बाप को बहुत चाहती थी, लिहाजा बाप की वफात के बाद चूंकि बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए फातिमा ने अपनी मौत के लिए दुआ की है। अजीजो, इस्लामी तालीमात अपनी जगह मुसल्लम है, फातिमा वो नहीं है जो जज्बाती फैसले करें। फातिमा को अगर नहीं मालूम होगा कि हर बाप को इस दुनिया से जाना है तो फिर कौन जानेगा? फातिमा को मालूम है कि सिर्फ हमारा बाप नहीं बल्कि दुनिया के हर बाप को इस दुनिया से जाना है, तो यह फातिमा के यहाँ इस्तराब क्यों पाया जाता है? यह फातिमा के यहाँ बेचैनी क्यों पाई जा रही है? यह फातिमा के यहाँ बाप का गम ज़रूर पाया जाता है, बाप की मोहब्बत की वजह से उनकी आँखों में आंसू ज़रूर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर फातिमा में एक अजीब और गरीब इस्तराब महसूस किया जा सकता है कि फातिमा तड़प के दुआ कर रही है, परवरदिगार अब तेरी दुनिया में रहने के लायक मैं नहीं हूं, मालिक हमें उठा ले। बाप की मोहब्बत अपनी जगह पे, शौहर के हक का जाय हो जाना ये अपनी जगह पर, लेकिन फातिमा की यह तड़प, मासूमा की यह आरजू यह बता रही है कि कुछ मजालिम ऐसे हुए हैं जिसकी बुनियाद पर फातिमा जिंदा नहीं रहना चाहती, चाहे उनके बच्चे छोटे ही क्यों न हो, चाहे हसन हुसैन को कोई देखने वाला ही क्यों न हो, नहीं फातिमा नहीं चाह रही है। उसकी वजह क्या है, मैं आज बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि वो फातिमा जिसे कुरान ने सिद्दीका का लकब दिया है, जिसकी सदाकत की गवाही आये मुबाहला देती है, इसलिए कि हर आदमी के बस की बात नहीं है कि वो पैगंबर की दुआ के लिए आमीन कहे या पैगंबर के साथ मुबाहले में शिरकत करे। जिस ज़ात और शख्सियत को खुदावंद आलम ने काज़िबीन के मुकाबले में चुना हो, उसको मस्जिद में खड़ा करके पूछा जा रहा है, बताओ तुम्हारे दावे पर दलील क्या है, और अगर अपने दावे पर गवाह भी पेश करे तो कहे ये तुम्हारा शौहर है इसलिए इसकी गवाही कबूल नहीं, और उम्मे ऐमन एक औरत है लिहाजा उसकी गवाही कबूल नहीं। जिसकी गवाही को मसीही मान रहे हो, जिसकी शहादत को मसीही मान रहे हो, ईसाई मान रहे हो, उसकी गवाही को मस्जिद में ठुकराया जा रहा है। अब अगर फातिमा दुआ न करे तो और क्या करे? ए परवरदिगार, तेरी मस्जिद में
कुरान की आयत के हवाले से जो सिद्दीका मसीहियों के सामने जाती है और काज़िबीन पर लानत करने के एतबार से आमीन कहने के फर्ज को अंजाम देने के लिए तैयार होती है, उस सिद्दीका को भरे दरबार में झुटलाया जा रहा है। मैं आवाज दूंगा, ए फातिमा, अरे दरबार में तो गई हो लेकिन तुम्हारा सर तो खुला नहीं है, तुम्हारे बाजू तो बंधे हुए नहीं है और पूरे मस्जिद में 700 कुर्सी नशीनों का मजमा तो नहीं है। अरे जरा ज़ैनब की खबर लो, मुश्के बंधी हुई है, सर खुला हुआ है और यजीद के साथ 700 औबाश कुर्सी नशीन बैठे हुए हैं, जहां ज़ैनब अपने माँ की खुतबे की तकरार कर रही है, आवाज दे रही है, यजीद मैं फातिमा की बेटी, अली की बेटी, तेरे दरबार में हम कला। सयालमुल्लदीना ज़लमु अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين। परवरदिगारा हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा, हमारे इन हकीर आंसुओं को रुमाल हजरत जहरा में जगह इनायत फरमा, इन्हें हमारी नजात और शफात का जरिया करार दे, बीमारों को भी हक़ बीमार करबला शफाए कामिल आजिल इनायत फरमा, मरहूमीन की मगफरत फरमा, हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि तेरी ज़ात और तेरा वली बरहक हमसे राज़ी न हो जाए। मालिक दुनिया में हमें ज़ियारत मोहम्मद व आल मोहम्मद और आखिरत में उनकी शफ़ात नसीब फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व नफाक व इल्हाद को सरनिगुम फरमा, उलमाए आलाम और मराज कराम की हिफाजत फरमा, रौज़ाए मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, अहल बैत के चाहने वाले गोशा व किनारे दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, खुसूसन इराक़ और यमन में उनकी जान माल इज़्ज़त नामूस की हिफाजत फरमा, इनकलाब इस्लामी का तहफ़ फरमा, वली बरहक वारिस जहरा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आवान अंसार में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। आप हज़रात एक सूरह फातिहा जुमला मोमिनीन मोमिनात के साथ